बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां पर मध्य प्रदेश की धरती अब सोना उगलेगी। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में सोने के लिए खनन की अनुमति दे दी है। सिंगरौली के चितरंगी में 140 हेक्टेयर में सोने का खनन होगा। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद राज्य सरकार ने भी हरियाणा की कंपनी को ब्लॉक आवंटित कर दिया है। 22 साल की पड़ताल के बाद अब जाकर सिंगरौली में सोने का ब्लॉक मिला है। 1 टन पत्थर से 1 ग्राम सोना निकालने का अनुमान है। एमपी सरकार को भी 6,000 करोड़ रुपए इससे मिलेंगे, तो इसका राजस्व बड़ा फायदा होगा मध्य प्रदेश को। अब मध्य प्रदेश की धरती सोना उगलेगी। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में सोने के लिए खनन को अनुमति दे दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे, वो आदेश भी आपको दिखा रहे जो केंद्र की तरफ से जारी किया गया है। अब अनुमति के बाद राज्य की सरकार की तरफ से ब्लॉक आवंटित कर दिए गए हैं। सिंगरौली में सोने का पहला ब्लॉक मिला है। 22 साल की पूरी मेहनत है और 22 साल के बाद अब 1 टन पत्थर जब सिंगरौली से निकला तब यह आदेश जाकर जारी हुआ है। हमारे सहयोगी सनी मालवीय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सनी, अब एमपी एक और उपलब्धि की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि अब एमपी की धरती सोना उगलेगी, क्या खबर है इसको लेकर? अब सोना उगलेगा। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में सोने के लिए खनन को लेकर जो है अनुमति दे दी है। सिंगरौली के चितरंगी में 140 हेक्टेयर में होगी खनन की उगलेगा और केंद्र सरकार की अनुमति के बाद राज्य सरकार ने सभी हरियाणा की कंपनी को ब्लॉक किया था, आवंटित किया है। 22 साल की पड़ताल के बाद सिंगरौली में सोने का ब्लॉक किया है और 1 टन पत्थर से 1 ग्राम सोना निकलने का अनुमान है। एमपी सरकार को भी 6,000 करोड़ का जो है राजस्व मिलेगा। कुल मिलाकर माना जाए कि एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है मध्य प्रदेश सरकार ने, जिस तरह से एक धरती पर जो है सिंगरौली की धरती पर अब जो है सोना उगलते हुए दिखाई देगा। जी ठीक है सनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से परमिशन मिल चुकी है। सिंगरौली के चितरंगी में 140 हेक्टेयर में सोने की खुदाई की जाएगी। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद अब राज्य सरकार ये पहल करने जा रही है। 22 साल की पड़ताल के बाद सोने में सिंगरौली में सोने का ये ब्लॉक मिला है। 1 टन पत्थर से बताया जा रहा है कि सोना निकाला जाएगा। एमपी सरकार को इससे करीब 6,000 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त होगा।